हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप जो है मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही चुके हैं कि सुखी नसों में जान भर देगा और डामर के जैसा गाढ़ा हो जाएगा अंदर का खून। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग जैसे कि कमजोरी से परेशान रहते हैं उसके लिए पौधा किसी वरदान से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर जड़ी बूटियों की तुलना किया जाए इस पौधे से तो जड़ी बूटी में यह पौधा बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। यह आयुर्वेद का अमृत है दोस्तों, इसे अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। और अश्वगंधा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो गंध होते हैं ना, अश्व यानी दोस्तों घोड़े के जैसा आता है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। इसके फूल इस प्रकार से होते हैं ना, इसके पौधे देख लीजिए, इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये आँख के जो पौधे होते हैं ना, उससे मिलता जुलता सेम ही पौधे हैं, पर इसका औषधीय गुण आँख के पौधे से हजार गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो बारी बारी से इसका फायदा बताऊंगा। अगर मेरे वीडियो में बताएंगे थोड़ी भी जानकारी अच्छे लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों, यह मैं आप लोगों को आयुर्वेद ग्रंथ से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अश्वगंधा का फायदा अगर देखा जाए तो ये यौन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। ये यौन ताकत को बढ़ाने के साथ साथ अगर वीर्य में यानी कि धातु में पतलापन उसे गाढ़ा करता है। अगर अश्वगंधा का चूर्ण 15 दिनों तक दूध घी या पानी के साथ लिया जाए तो ये शरीर को एकदम पुष्टक कर देता है, वीर्य को एकदम गाढ़ा बना देता है, संख्या बढ़ा देता है वीर्य का, कामोत्तेजना बढ़ाता है शरीर में। इसका कोई भी साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं देखा गया आज तक के जितने भी हमने लोगों को दिए हैं, किसी को कोई भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और इसका और जबरदस्त, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो एक खून भी बढ़ाने का काम करता है। जी हाँ बिल्कुल, ये खून को दोस्तों एकदम गाढ़ा बना देता है, डामर के जैसा गाढ़ा कर देता है। और ये सूखी नसों में जान भर देता है। सूखी नसों में जान भर देता है मतलब आप समझते हैं, अगर आपके शरीर में कमजोरी है, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित है, उसे भी दूर करने का काम करता है। तो बारी बारी से इसका फायदा बताऊंगा। फायदा बताने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे जानकारी आप जो है मिस ना कर पाए। तो सबसे पहले डायबिटीज को कम करता है। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा के सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कम होता है और यह मधुमेह की बीमारी को नियंत्रित में रखती है। इसके चूर्ण खाने से कोलेस्ट्रॉल भी दोस्तों कम होती है। गठिया के दर्द के लिए भी सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि अश्वगंधा एक खास सप्लीमेंट और दूसरे जड़ी बूटी के साथ मिलकर के सेवन करने से गठिया में लाभ देता है। इसके बाद हार्ट ब्लड प्रेशर के लिए, जी हाँ, इसका सेवन करने से रक्तचाप में कमी आती है। हालांकि दोस्तों रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर वालों को इसका सेवन करने से परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे यह कम करने का काम करता है। कैंसर के जो ट्यूमर होता है उसे भी खत्म करता है। वात विकार में भी आप सभी को पता है वात रोग क्या है, ठीक है, और कफ खांसी और दमों को भी दूर करने का काम करता है। और एकदम रामबाण दवा है, कफ खांसी और दमों में अगर अश्वगंधा का प्रयोग किया जाए तो यह रामबाण की तरह काम करता है। इसके चूर्ण को गर्म दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ पी सकते हैं, या घी के साथ में भी प्रयोग किया जा सकता है। आपको जो सीटोवेल लगे, सुविधा उपलब्ध हो पाती तो उसके साथ में ये जो है डाल करके पी सकते हैं। अनिद्रा रोग को भी यह दूर करने का काम करता है। स्त्री रोग में भी सबसे बेस्ट है, जैसे कि स्त्री रोग में श्वेत प्रदार जिसे हम सफेद पानी बोलते हैं, अगर इसका चूर्ण 2 ग्राम के साथ 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अगर पिया जाए दूध में डाल करके, या सादे पानी में 1 से 2 ग्राम इसके चूर्ण को सादे पानी में डाल करके मिश्री मिला करके पिया जाए तो ये सफेद पानी को बिल्कुल है ना बंद कर देते हैं। आंखों की रोशनी को अगर इसके चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने का काम करता है। अगर आपको पेट कैंसर की बीमारी है तो इसका सेवन नहीं करना है, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थे छोटे से जानकारी अश्वगंधा की। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।